जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आप में से ही कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो न्यू एस्पिरेंट हैं। उनको नहीं पता होता है कि कोचिंग लें तो ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, और किस बेस पे लें, क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसी को आप बेहतर तरीके से आज समझेंगे। स्पेशली ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो इस बारे में नहीं जानते हैं। एक डिफरेंस के माध्यम से आज समझते हैं ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लर्न फ्रॉम एनीवेयर, मतलब ये है आप जहां पर भी रहते हैं, जहां से हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, वहीं पर रह करके आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। एक ही टाइम पर एक ही टॉपिक को कई अलग अलग जगह रह रहे स्टूडेंट उसे पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, डिटेल में उसके बारे में जान सकते हैं। उनको कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं जाना है, ये इसकी खास बात है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस लोकेशन में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, कॉलेज, क्लास, स्कूल, वो होता है। वहां सभी स्टूडेंट आएंगे, एक ही जगह बैठेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। इसमें ये होता है, मतलब ये है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, हैदराबाद के कोई स्टूडेंट है, या फिर महाराष्ट्र के कोई स्टूडेंट है, या यूं कहो कि सभी स्टूडेंट, इन सभी को अपना अपना एरिया छोड़ करके और उस स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचना होगा, फिर क्लास अटेंड करना होगा। ऑनलाइन क्लास की बात करें तो इसमें क्या होता है, ट्रैफिक जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप अपने पसंद वाले एरिया में होते हैं, अपने सुविधा के अनुसार वहां पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं, कहीं आना जाना भी नहीं है, तो ट्रैफिक जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जबकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप एक लोकेशन में पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है आप जैसे कई सारे स्टूडेंट होंगे वो भी पहुंचेंगे। इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज जा रहे हैं तो बाकी सब रुक जाएंगे, सभी अपना अपना काम करेंगे, तो ऐसे में ट्रैफिक बहुत मिलता है जो कि परेशान करने वाला होता है। ऑफलाइन क्लास में ये होता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपका समय बहुत बचता है और आराम से आप घर में बैठ करके बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप फास्ट सारी चीजों को सीख रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास समय बचता है, आप अपने हिसाब से अपने समय का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि आप सारा काम अपने हिसाब से कंप्लीट करेंगे, क्लास भी अटेंड करेंगे, तो उस हिसाब से आप खुश भी होंगे और उसी हिसाब से आप अपने पढ़ाई को टाइम भी दे पाएंगे और फास्ट चीजों को सीखेंगे। आप अपने एनवायरमेंट में रह करके और उसी हिसाब से चीजों को सीखेंगे। अब यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि इसमें आपका समय बहुत जाता है। कैसे, आप अपने एरिया को छोड़ करके इस लोकेशन में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या करते हैं, ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए वहां से निकलते हैं। तो जितना दूर होगा आप जहां रह रहे हैं और फिर क्लास जहां पे लग रही है, उस लोकेशन में पहुंचने में भी समय लगता है। अब ऐसे में आपका बहुत टाइम जाता है, आप अपना पर्सनल काम भी अपने एरिया में रहकर नहीं कर पाते हैं, सब कुछ छोड़ करके और फिर पहुंचते हैं क्लास अटेंड करने के लिए दूसरे एरिया में, तो काफी समय इसमें जाता है। अब इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो मेंटर होते हैं और टीचर होते हैं, ये कई सारी एबिलिटीज के साथ आपके लिए अवेलेबल होते हैं। कई बार कई सारे कोचिंग क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, जो ऑनलाइन क्लास दे रहे होते हैं वो दो तीन टीचर एक साथ रखते हैं एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड। वो क्यों, कई बार क्या होता है कि 500, 600, 1000 स्टूडेंट उपलब्ध हैं। अब इनमें से क्या होता है कि मान लेते हैं कि 900 स्टूडेंट या फिर 400 स्टूडेंट को समझ में आ गया एक ही टीचर से, और बाकी बचे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। वो टीचर कितना भी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि इनको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। अब क्लास वाले क्या करते हैं, जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, दूसरा टीचर उपलब्ध कराते हैं उन 100 स्टूडेंट को या उन बचे स्टूडेंट को जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको भी समझ में आता है। मतलब कि उन स्टूडेंट्स के लिए अलग टीचर उपलब्ध करा दिया जाता है कि ये टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये समझा देंगे आपको, या ये इनसे अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है आपको ये टीचर पढ़ाएंगे। मतलब कि एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर हो गए, और यहाँ पर किसी को कोई नुकसान भी नहीं है। मतलब कि वो जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं उनके पास स्टूडेंट भी हो जाते हैं और स्टूडेंट को भी फायदा होता है कि उनको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है। बट ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं हो पाता है,
कि आपको समझाने के लिए दो टीचर उपलब्ध हो। बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसे बहुत ही कम ऑफलाइन क्लासेस देने वाले होते हैं जहां पर दो टीचर एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड उपलब्ध हो। वहां पर लिमिटेड नंबर के जो टीचर्स होते हैं वही होते हैं और वही समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में पांचवी बात करें या फिफ्थ इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार टाइम भी मैनेज करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, कि इतने टाइम के अंदर हम बच्चों को इस तरीके से समझा पाएंगे। पर ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, उसमें ये है कि आपका एक शेड्यूल दे दिया जाता है, इस शेड्यूल के अंदर आपको पढ़ाना है और इतने घंटे ही पढ़ाने हैं और इसी टाइम पर पढ़ाना है, ये स्ट्रिक्ट होता है। तो यहाँ पर ये कई बार दिक्कत करता है। यहाँ पर जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो एक चीज और ये भी होता है कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग टाइप का होता है, या यूँ कहो कि वीडियो रिकॉर्ड होता है। आप अपने समय के अकॉर्डिंग उसे जितनी बार देखना चाहे देख सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जो क्लास ले रहे होते हैं ऑफलाइन क्लास, वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर एक बार आपकी क्लास छूट गई तो फिर छूट गई, फिर दोबारा उस क्लास को आप नहीं ले पाएंगे, आपका नुकसान हो चुका होता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लास में एक बड़ा अंतर ये भी है। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में जो छठवीं इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। आजकल कई सारे एग्जाम ऐसे हैं जो ऑनलाइन होते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गांव से उभरे होते हैं, लैपटॉप या मोबाइल के साथ उतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, मतलब कि पढ़ने के मामले में बात कर रहे हैं। अब पढ़ाई करने के मामले में वो फ्रेंडली नहीं होते हैं तो उनको दिक्कत होती है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, ध्यान भटकता है। अब यहाँ पर उनके कॉन्सेंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होता है, जबकि ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप जब तक क्लास में हैं तब तक तो पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कई बार भटक जाता है। और आजकल जिस तरीके से एग्जाम लेवल हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको ये प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए कि ऑनलाइन आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाए। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में सातवीं इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, और एक ही टाइम पर कई सारे स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन है तो उनको बारी बारी मौका मिलता है। और ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें एक शेड्यूल बना दिया जाता है कि इस टाइम पर टीचर उपलब्ध होंगे, 3 घंटा इनको पढ़ाना है या 4 घंटा पढ़ाना है, उसके साथ ही आपको 1 महीने के अंदर इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। अब ऐसे में टीचर क्या होते हैं कि लगातार एक शेड्यूल को फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स की जो दिक्कत होती है उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ऑनलाइन क्लासेस में कि ऑनलाइन क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे स्टूडेंट्स के जो डाउट है उनको क्लियर करना है, समय देकर क्लियर करना ही है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन क्लास में। टीचर अगर ऐसे हैं कि आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं तो वो पहले पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद पूछेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में डाउट्स हैं, समय देते हैं कि अपने सभी डाउट्स को लिखें या बारी बारी से बताएं, और फिर आराम से बारी बारी चांस बाई चांस सबको बताते जाते हैं। तो यहाँ पर डाउट्स को क्लियर करने का ज्यादा मौका रहता है ऑनलाइन क्लास। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आठवीं इम्पोर्टेंट बात, कि ये ऑफलाइन क्लास के मुकाबले सस्ती होती है, इसमें थोड़ा कम पैसा लगता है ऑफलाइन के मुकाबले। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात कर लिए, अब बात करते हैं कि क्या बेहतर रहेगा। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको दिक्कत है कि वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं पहुंच सकते हैं, वहां रह करके वहां का रहना खाना खर्च नहीं उठा सकते हैं, अपना समय इस तरीके से नहीं दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ऑफलाइन क्लास नहीं लेंगे, वो ऑनलाइन क्लास लेना पसंद करेंगे। अपने घर के माहौल के अकॉर्डिंग ही वो वहीं पर पढ़ना पसंद करेंगे। स्टूडेंट मेहनती ऑनलाइन क्लास में भी होते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं वो ज्यादा मेहनती हैं, वो ज्यादा होशियार हैं, और जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो ऐसा नहीं है। दोनों ही जगह पर जुनून रखने वाले स्टूडेंट होते हैं, दोनों ही जगह पर खूब मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं, बस वो ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास कुछ मजबूरियों के कारण लेते हैं। और पहले 2-3 साल पहले की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं थी, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी और लोगों को अपना घर गांव छोड़ करके शहर आना पड़ता था। लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा हो गई है तो लोग ज्यादातर से चूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की। जब सब कुछ फायदे में ही है तो लोग अपने घर को छोड़कर कि क्यों ऑफलाइन क्लास लेने आएंगे। जो आसपास के रहने वाले हैं वो तो ठीक है, वो ले लेते हैं ऑफलाइन क्लास,
लेकिन दूर दराज एरिया में रह रहे लोग नहीं छोड़ के आते हैं। अब आज के टाइम पे ऑप्शन है तो लोग ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करते हैं।